यदि आप अपना पोर्टफोलियो अभी तक तैयार नहीं किए हैं, यानी कि कोर्स 512.3 का फाइल अगर नहीं तैयार किए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पोर्टफोलियो को कैसे तैयार किया जाए, इसका पीडीएफ को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाए और इसका सेटअप हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। हमारे डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ जो आज जो हम टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, जिसको शॉर्ट में भी हम लोग डीएलएड कहते हैं, वैसे स्टूडेंट, वैसे कैंडिडेट, वैसे जो एनआईएस से कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है कि आप सभी के डिजिटल क्लास में जो पोर्टफोलियो वो कंप्लीट कर लिए और आप तक पहुंचाए जा रही है। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक्स में बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो है, हाउ कैन मेक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके साथ ही साथ जो है, हाउ कैन आई डाउनलोड पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हाउ कैन सेटअप पोर्टफोलियो कोर्स 512.3। तो यह जो है 512.3 का पूरा जो कंप्लीट फाइल से जो कि पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते हैं, तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीचे में एक लिंक होंगे, वहां पर लिखे होंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, वहां से आप सिंपली वन क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं, आपको पोर्टफोलियो का सेटअप किस प्रकार से किए जाते हैं उसको सेटअप के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी निभाने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है वर्क्स और बेस्ट एक्टिविटीज़ को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से जो है फाइल्स से ऑलरेडी हमारे कुछ फाइल्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ फाइल्स जो है बाकी है, तो उसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग देखने जा रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 512.1 और 512.2 कंप्लीट हो गए थे फाइल्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन एनी वन सब्जेक्ट बेस्ट और बेस्ट इवेल्युएशन, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसी को हम लोग आज जो है करने वाले हैं सोल्यूशन, और इसी का करने वाले हैं सेटअप। तो यदि आप इन सारे सेटअप को, यानी कि इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे में अभी का भी चले जाए और डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा कर अपना जो है फाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको सेटअप करते हैं, किस प्रकार से। तो वीडियो के साथ अंतिम तक जरूर बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे इसमें कि किस प्रकार से आप इसको फाइल को जो है कंप्लीट करके सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस टाइप से प्रिंटिंग आउट आपके पास होने चाहिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है कंप्लीट जो है फाइल्स जो है रेडी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीटली जो है यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए हैं पोर्टफोलियो का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि यहाँ पर डीएलएड लिखे हैं, फिर 512.3 अध्ययन केंद्र का नाम, ये सब सारा कुछ आप जो है अपने पेन से भर लीजिएगा। यह ऐसा बेस्ट बनाएगा कि आपको किसी भी कोई भी स्टडी सेंटर पर है सारे के लिए जो है यह काम आएंगे। इसी टाइप से फॉर्मेट को तैयार किए गए, यानी कि जहाँ पर जरूरत हो उसी को ही प्लैंक रखेंगे। तो सबसे पहले जो है इसको हम इस पैट्रिक आपका पकड़ पलट के रखेंगे, ताकि हम जो है फिर से सीधा जब करेंगे तो सारे के सारे चीज़ जो है सीधे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है इस टाइप का जरूरत पड़ने वाले प्रास्ताविक के बारे में, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर करने वाले। प्रास्ताविक का मतलब यह होते हैं कि पोर्टफोलियो को क्यों तैयार किए जाते, इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसी के बारे में 2-4 लाइन जो हम लोग को लिखने पड़ते हैं इसी के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको लगाने वाले हैं। नेक्स्ट जो स्टेप में हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में है प्रास्ताविक के बारे में कुछ 2-4 पेज को यहाँ पर लिखना, उसी के विषय में यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना खूबसूरत से अपने हैंड राइटिंग के, आपको भी जहाँ पर हैंड राइटिंग का यूज़ हुई वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग के माध्यम से आपको लिखने, और जहाँ पर जो प्रिंटिंग का फॉर्मेट का है वहाँ पर फॉर्मेट आपको व्यक्त कर देने। तो यहाँ पर जो 3 पेज का जो यहाँ पर फॉर्मेट है, 3 पेज का अपने हिंदी से जो है लिखे हैं, तो आप जो है आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें यही बताएगी कि आखिर पोर्टफोलियो में क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ का काम करते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर सेटअप कर देने वाले। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन जो डाटा क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन का डाटा का मतलब होते हैं कि आप किस प्रकार से जो है मतलब आइडेंटिफिकेशन करते हैं, टीचर्स का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, विद्यार्थी के नाम क्या है, तो इसी के विषय में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का डाटा डालते हैं, उसका जो अपना कुछ पहचान पत्र। तो यहाँ पर जो एक शिक्षक का यहाँ पर आपका फोटो लगेगा, शिक्षक का नाम, एनरोलमेंट नंबर, विद्यालय का नाम, इसका पूरा का पूरा जो है कम्प्लीटली यहाँ पर अपने हाथों से भर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है विद्यार्थी का, यहाँ पर जो
विद्यार्थी का एक फोटो लगा दीजिएगा, ऐसी विद्यार्थी के विषय में नहीं बल्कि सब्जेक्ट के विषय में, तो ये डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते डाल दीजिएगा, बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है डिटेल आपका लिखे हुए हैं, तो अभी यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है इस टाइप से इसको लगाने हैं आपको, विषय आधारित। यहाँ पर क्या चीज़ करने, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट बनने, क्योंकि यह जो है सारे सब्जेक्ट के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, बंगाली हो, इंग्लिश हो, जो भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के लिए यही फॉर्मेट आपको अप्लाई होने वाले। यहाँ पर आप अगर मान लेते गणित का विषय का बनाने वाले, तो यहाँ पर लिखेंगे गणित, यहाँ से पेन से जो है, पेन से जो है आप लिख दीजिएगा गणित, गणित विषय आधारित मूल्यांकन में पोर्टफोलियो का विकास। अगर हिंदी का बनाना चाहते तो यहाँ पर जो है पेन से हिंदी लिख लीजिएगा। मतलब यह फॉर्मेट उस तरह से करके तैयार किए गए ताकि हर किसी का यूज हो, हर किसी के काम में आ जाए। आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू, फारसी, बंगाली हो, जो भी भाषा है, सारे भाषा के लिए आप इसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट के लिए आपको तैयार करने के लिए कही गई है। तो इसीलिए जो हम इसको डालने वाले, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा विषय के करने वाले, वो विषय यहाँ पर जरूर नाम डालिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है गणित विषय के बारे में हम लोग लिखे, तो गणित विषय के बारे में जो है गणित, गणित का पोर्टफोलियो यहाँ पर लिखे। जैसा हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो एक ऐसा माध्यम के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर गणित विषय का अधिगम का आकलन किया जाता है। पोर्टफोलियो से विद्यार्थी में अपनी अभावनाओं, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करिएगा, बदलाव क्या होगा, जैसे कि अगर आप हिंदी का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, गणित के जगह पर हिंदी का पोर्टफोलियो लिख लीजिएगा, और जहाँ जहाँ गणित है, जैसे यहाँ गणित है तो यहाँ हिंदी कर दीजिएगा, बाकी का मैटर आप उसी तरह से डाल सकते हैं। तो जिस विषय का आप करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर बदलाव कीजिएगा, इस चीज़ को खास क्या रखिए। इंग्लिश का करना चाहते तो यहाँ पर इंग्लिश लिख लीजिए, जहाँ जहाँ इंग्लिश है वहाँ वहाँ इंग्लिश कर दीजिए, बाकी कोई बदलाव नहीं कीजिएगा। यहाँ पर पेन से भरना जरूरी है, इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। तो इसको इस टाइप के करने के बाद यहाँ पर अब डाल लें। उसके बाद विद्यार्थियों का एक लगाव होंगे, विद्यार्थियों का लगाव, यहाँ पर विद्यार्थियों का लगाव का मतलब होते हैं कि किस किस वीडियो विद्यार्थी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो गेम में कार्टून, टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, लूडो गेम खेलना, और भी कुछ कुछ आप जो है अपने से इंक्लूड कर सकते हैं इस पर। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर डालने वाले। नेक्स्ट जो है विद्यार्थी का, यहाँ पर कुछ चित्रकारी आपको डालने होंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं विद्यार्थियों का जो है, विद्यार्थियों के द्वारा किए गए चित्रकारी, तो कुछ जो पेंटिंग, अगर विद्यार्थी के पास जो अपना हैंडराइटिंग से पेंटिंग कोई बच्चे गए तो वो आपके लिए बेटर होंगे, वो भी आप इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अपन अपने से आप कोई बच्चे का चित्र हुआ, कोई गुलाब फूल हुआ, इस टाइप से अपने से भी चित्रकारी करके आप इसमें डाल सकते हैं। ऐसे हम आपको प्रिंटिंग करके जो बच्चों का हैंडराइटिंग के माध्यम से दे रहे हैं। अगर आपको नहीं आते हैं प्रिंटिंग, नहीं आते पेंटिंग, तो आप इसी को ही प्रिंट आउट करवा के आप इसको डाल सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या का समाधान जो है नहीं करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर जो है चित्रकारी डालेंगे, लेकिन चित्रकारी होते क्या है, चित्रकारी में क्या होते हैं बच्चों के लिए, इसके बारे में जो यहाँ पर कुछ जो है दो लाइन का यहाँ पर जरूर आप लिखिएगा, ताकि पता चले कि चित्रकारी क्या है। तो इसके बाद चित्रकारी, उसके बाद जो यहाँ पर जो है कुछ चित्रकारी का जो है इमेज आपके पास यहाँ पर होंगे, उसी को जो है हम लोग यहाँ पर डालने वाले। तो यहाँ पर जो सारे के सारे जो है चित्रकारी का जो है कुछ इमेज रखें, उसी को हम लोग यहाँ पर इनबिल्ट करने वाले। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कम्प्लीटली जो है यहाँ पर जो है कुछ कुछ जो है चित्रकारी किए गए हैं, जो कि आप इसको पेंटिंग से या पेन से कर सकते हैं, या इसी को प्रिंट आउट आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कम्प्लीटली जो है जितने भी सारे के सारे जो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेडी बेयर है, ठीक है, सारा कुछ जो है यहाँ पर बहुत सारे जो प्रिंटिंग किए हुए हैं, ठीक है, पेंटिंग किए हुए, उसका बच्चों का पेंटिंग किया हुआ, हाथ का पेंटिंग किए हुए, तो आप भी जो इसको हाथ से बना सकते हैं, या हमारे द्वारा जो प्रिंटिंग दी जा रही है बच्चों को बनाया हुआ, इसको आप यहाँ पर पूरा का पूरा डाल सकते हैं। जितना भी है आप अपने हिसाब से डालें, 10 पेज 5 पेज 10 पेज, इसमें जितने भी आप सारे भी डाल सकते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पर डालें सब सारा पेंटिंग में। ध्यान रखिए पेंटिंग में डालने के लिए यहाँ पर देखिए ये बच्चे का चित्रकारी, और यहाँ पर जितने भी पेंटिंग है पूरा का पूरा पेंटिंग हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे यहाँ पर जो है रिकॉर्ड ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इतना करने के बाद जो है रिकॉर्ड ऑफ पोर्टफोलियो का यहाँ पर डालने वाले कि बच्चे जो है विद्यार्थी के प्रार्थना में शामिल होने की स्थिति क्या है, अच्छा है तो यहाँ पर अच्छा में टिक करना, खराब है तो खराब में क्लिक करना है। विद्यार्थी अपना होमवर्क रोज रोज करता, अधूरा करता, पूरा करता, यानी कि यहाँ पर कंप्लीटली जो सारा का सारा जो है मैटर यहाँ पर भरे हुए, तो आप इसको जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है इसके बाद जो है यहाँ पर वर्किंग डेज आएंगे, यानी कि वर्किंग डेज कहने का मतलब होते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्किंग डेज, डेट अटेंडेंस,
अटेंडेंस कार्य दिवस और उपस्थिति कितने सुंदर से लिखे हुए देख पा रहे, खूब डिजाइनिंग से। कोई भी इस पोर्टफोलियो को कोई भी अगर देखेगा, कोई भी अगर शिक्षक देखेगा, तो पूरा का छः मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो 6 मार्क्स आप देख पा रहे, पूरा का छः आपको एक भी नंबर नहीं काटने वाले, क्योंकि इतने मेहनत करके ये सब फाइल को रेडी की जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको कोई भी नंबर नहीं, यदि अच्छे नंबर चाहिए तो कुछ मेहनत आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर जो 2 सेमेस्टर का तैयार होते हैं, इस चीज़ को खास ख्याल रखें। यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर का और यहाँ पर जो सेकंड सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर का यहाँ पर तैयार होते क्या होते हैं, यहाँ पर जो है 2 सेमेस्टर का यहाँ पर तैयार होते अप्रैल से लेकर सितंबर तक और अक्टूबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि आपका क्लास जो होता है स्कूल का क्लास इसी टाइप से ही चलते हैं। कार्य दिवस कहने का मतलब होता है कि कितने दिन बच्चे आए, कितने दिन स्कूल चले और कितने दिन उसमें अब्सेंट हुए, कितने दिन वो क्लास किए। तो इसी चीज़ को यहाँ पर जो है 2 पेज में अपने हिसाब से भरना है, या तो इसी को देख कर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि, तो यहाँ पर जो है क्या क्या फर्स्ट सेमेस्टर जब हुआ, याद है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जब जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर कक्षा में उपस्थिति, तो यहाँ पर बी ग्रेड है, ए ग्रेड है, कौन सा ग्रेड आप देना चाहते हैं उसके हिसाब से, आप ग्रेड के हिसाब से यहाँ पर चूज करें। इसके हिसाब से कि यहाँ पर जो है कितने लोग थे, अनुशासन कैसे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका जागरूकता किस टाइप से थे, तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर जो है दी जा रही है। तो इस फॉर्मेट को भी आप यहाँ पर डाउनलोड करके, इस वीडियो के नीचे में लिंक होंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली 1 क्लिक करके, और इस पीडीएफ को आप आराम से पा सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो है यहाँ पर 2 सेमेस्टर का, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जिस विषय का करना चाहते हैं, जैसे कि गणित का है तो गणित का विषय का यहाँ पर लगाना, हिंदी का तो हिंदी का, जो भी विषय यहाँ पर ऊपर लिख कैपिटल से विषय आपको लिख देने हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी कि हर 6 महीना में जो 4 स्टेप होते हैं, जो कि उनका जो है ग्रेड आएंगे। तो यानी कि गणित विषय में 57 समग्र मूल्यांकन पत्र, यानी कि जैसे गणित विषय, तो गणित विषय में बोलने में कैसा है, मतलब गणित को जो है वो जो है उसको जो बच्चों को कुछ याद करने के देते हैं, जैसे कि पहाड़ा हुआ, टेबल हुआ, तो वो बोलते हैं किस टाइप से। तो इसका जब नामकरण किया गया, यानी कि जब पोर्टफोलियो तैयार किया गया, तो इस वक्त जो है डी ग्रेड लाए थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 1-4 उसके बाद 15-5, 1-4 के बाद 15-5 हो रहे हैं, तो 15-5 यानी कि इसके और इसके बीच में 45 डेज का डिफरेंट, फिर 15 से लेकर 30 तारीख तक, फिर 45 डेज का, फिर यहाँ से लेकर 45 डेज का, हर 45 डेज का इस तरह 45 दिन के करते हैं, तो चार चार बार यहाँ पर 4 स्टेप में आपका जाते हैं। 4 स्टेप में जाने के बाद पूरा 6 महीना कंप्लीट हो जाते हैं, यानी पूरा साल में जो 8 स्टेप आपको लेने, तो यहाँ पर उसी तरह से अपने हिसाब से जो भी डेट होगा सब एक ही दिन में ही होता है उसके, यहाँ पर देख पर सारा जो एक ही डेट पर ही होगा, लेकिन ग्रेड अलग अलग होंगे, पढ़ने में कैसे हैं, बोलने में कैसे, लिखने में कैसे, सुनने में किस टाइप से, कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो उसको बार बार रिपीटेशन करने पड़ते हैं क्या। उसके बाद उसका ग्रेड को धीरे धीरे करके बढ़ाते चलिएगा, इम्प्रूव करते चलिएगा आपका ग्रेड को। तो यह जो है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हुआ, उसी तरह से जो है आपका एक सेकेंड सेमेस्टर में ही भी तैयार करने हैं। यह जो है आप देख पा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर में सेम फॉर्मेट आपके पास आएंगे, सेम जैसे उसी टाइप से ही फॉर्मेट आपको पास जो है तैयार कर होकर आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट आपको देने वाले, तो यहाँ पर भी यानी कि इसके जो 8वां महीना उसके बाद का जो 7वां महीना के लिए जो आएंगे वहाँ का इस सेकेंड सेमेस्टर में इंक्लूड होगा। यहाँ भी जिस विषय का यहाँ तैयार कर रहे वही विषय का यहाँ पर भी आपको डालने जरूरी है। तो ये दोनों जो सेमेस्टर के लिए यहाँ पर आप इसको इंक्लूड कर दीजिएगा, इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। इसको जैसे डालती है उसके बाद जो कुछ पुरस्कार होते हैं, ठीक है, कुछ पुरस्कार जो है मिले, तो बच्चों को जैसे पढ़ाए, तो बच्चों को पढ़ाने के बाद जो अंतिम में का जो साल होते हैं, तो अंतिम में कुछ उसको बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पुरस्कार का कुछ मेडल होते हैं, कप्स होते हैं, तरह तरह का आप इमेज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, अपने से ड्रॉ कर सकते हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर जो पुरस्कार, तो पुरस्कार का वितरण के बारे में कुछ स्टेप लिखे, इसको भी आप इंक्लूड कर दीजिएगा। उसके बाद जो धीरे धीरे करके यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे जितने भी कप है इस सब को, कप को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप जो है यहाँ पर जो है इस कप को यहाँ पर डाल दी, उसके बाद जो है 1-2 और कप यहाँ पर डालेगी है बच्चों को, उसके बाद कुछ जो है कुछ आपके पास जो है यहाँ पर कुछ मेडल्स भी डालेगी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ जो है मेडल्स भी डालेगी है, तो यह भी मेडल्स भी आप यहाँ पर इंक्लूड करते चलिएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत मेडल्स है, तो इस मेडल्स को भी आप यहाँ पर जो है डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है डालने के बाद क्या है, अंतिम में स्टेप का धन्यवाद लेटर है, क्योंकि आप जब पोर्टफोलियो तैयार कर दिए एनएएस डीएलएड को, अपने स्कूल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, सबको धन्यवाद करने जरूरी है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं इस पोर्टफोलियो के कार्यक्रम में मुझे बहुत से विद्यार्थियों का साथ मिला,
और मेरे स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल का नाम डालने के प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य यानी कि आपके स्कूल का प्रिंसिपल का नाम, मिन इनको मैं खुले दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, लड़की है तो चाहती हूँ, इससे सबसे खास तौर पर यहाँ पर उसके साथ जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके साथ ही अनायस डीएलएड का भी, जिनके वजह से आज मुझे ये मौका मिला कि किसी दूसरे, मतलब कि यहाँ पर जो है स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर का यहाँ पर नाम आपको डालने, इस चीज़ को खास ख्याल रखिए। उसके बाद यहाँ पर सील आपका मोहर लगेंगे, जो भी सील मोहर है यहाँ पर, आपका टीचर का नाम, यहाँ पर जो है प्रिंसिपल का सिग्नेचर होंगी, तो यह सिग्नेचर जो सबसे लास्ट में आपको कंप्लीट करने, लास्ट में इसको डालने, तो लास्ट में डालने के बाद जो है इसको, इसके बाद इसको अंतिम में स्टेप से करने, उसके बाद इसको आप जैसे चाहिए जिस प्रकार से फाइल में चाहिए पूरा का पूरा जो कंप्लीट या फाइल जो रेडी हो जाते हैं, मतलब इसमें टोटल 50 पेज के आसपास जो इसमें टोटल फाइल्स जो है 50 पेज के आसपास आपको बनने वाले। तो यदि आपको इन सारे फाइल को जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, इतने खूबसूरत फाइल को जो कि एक बार भी कोई भी अगर देखेगा तो आराम से 6 का 6 मार्क्स आपको दे देंगे, तो इस वीडियो के नीचे में लिंक होंगे, अभी जाइए और अभी जाके वहां पर क्लिक हियर फॉर डाउनलोड लिखेंगे, जाकर तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपका 6 का 6 मार्क्स आपको मिल जाए जल्द से जल्द। अब हम लोग इसको बैंडिंग करके लाएंगे, बैंडिंग करेंगे, अच्छा से बैंडिंग करेंगे और इसको जो फाइल को यह रेडी होगी, अब इसको जो आप स्टडी सेंटर पर जहाँ चाहिए वहाँ पर आप इसको जो है जमा कर सकते हैं इस फाइल को, क्योंकि यह जो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट फाइल जो है बन चुके, आप इसको जो है बैंडिंग करने वाले। तो आइए हम लोग बैंडिंग करते हैं वन बाय वन करके, इसके लिए जो है इस टाइप से स्पायरल बैंडिंग भी करवा सकते हैं, जैसे चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैंडिंग करना स्टार्ट करते हैं इसको, और किस प्रकार से इसको देखते हैं, देख पा रहे हैं अभी फाइल से लगा ही है और इतने खूबसूरत फाइल आपको दिख रहे हैं, देख पा रहे हैं कितने कितने खूबसूरत फाइल्स हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसीलिए अभी चाहिएगा यदि डाउनलोड करने के लिए तो नीचे में एक लिंक है, जल्द से जल्द जो इस फाइल को पूरा का पूरा कंप्लीटली फाइल को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है यहाँ पर इस जो है इस रिंग के माध्यम से हम लोग जो है स्पेलिंग करेंगे इसमें और इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग करने के लिए यहाँ पर, और आपको कंप्लीट करके फिर बताते हैं कि किस प्रकार से यह दिखते हैं फाइल्स। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो कंप्लीट यहाँ पर फाइल हो चुके हैं, अब यहाँ पर जो है नामांकन करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का आप बनाए थे उस सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है नामांकन की जाएगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने जो है गणित के विषय पर बनाए, तो आप गणित यहाँ पर लिखे, हिंदी लिखे, जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर भी ज़रूर लिखें, यहाँ पर कैपिटल में करके यहाँ पर इंग्लिश से या हिंदी से जिससे भी आप लिखना चाहते हैं उससे आप लिख सकते हैं, उससे आप लिख सकते हैं। जैसे गणित है तो यहाँ पर लिखें ग नहीं, तो कैपिटल से आप लिख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से, थोड़ा सा मार्कर पेन से या कुछ बड़े पेन से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट नाम लिखने, यहाँ पर इस पर इस पेज पर गणित के विषय में बना रहे तो यहाँ पर जो है गणित ज़रूर आप लिख दें गणित, यहाँ पर अगर आप हिंदी के बना रहे हैं तो हिंदी लिखें, क्योंकि यहाँ पर गणित विषय में सतत, गणित विषय में सतत सतत एवं समग्रस मूल्यांकन परपत्र। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है यहाँ पर भी आप जरूर लिखें इस पर, इस पेज पर गणित, क्योंकि दो पेज पर यहाँ पर जो है गणित आपको लिखने जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि गणित गणित विषय में सतत सतत एवं समग्र मूल्यांकन पत्र, बाकी जो है बाकी जैसे भी है बहुत ही अच्छे हैं। देख पा रहे हैं यह जो है फाइल जो मेरा कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो है कंप्लीट फाइल है, यहाँ पर पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो का जो विकास है पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ जो है कंप्लीटली जो है यह जो है पूरा का पूरा जो फाइल यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा कंप्लीटली रेडी हो चुके हैं। यदि आप इतने खूबसूरत फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे में लिंक होंगे, लिखे होंगे क्लिक हियर फॉर डाउनलोड, जल्द से जल्द जाएं और कम्प्लीटली फाइल को जमा करें यहाँ पर अपने भी स्टडी सेंटर पर कहीं पर भी जाकर, और आप जो है अपना 6 मार्क्स को पूरा का पूरा पा सकते हैं। इसके अलावा यदि पोर्टफोलियो के अलावा भी अगर 512.3 के अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि लेसन प्लान जो है आप नहीं बनाएं, यदि आप लेसन प्लान नहीं बनाए अभी तक तो 512.1 का तो लेसन प्लान भी हमारे पास है, आप लेसन प्लान भी जा सकते हैं, तो नीचे में भी हम इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप लेसन प्लान भी कहीं पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेसन प्लान जो है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा फाइल है, यहाँ पर देख पा रहे सारे सब्जेक्ट के लिए इसमें दे दी गई, हर सब्जेक्ट के लिए इसमें जो है दी गई, हर सब्जेक्ट में जो है
पूरा देख पा रहे, पूरा का जो है फॉर्मेट के साथ, पूरा इंडेक्स पेज के साथ पूरा का पूरा कम्प्लीटली दे दीजिए। यहाँ पर देख पा रहेंगे लेसन प्लान, जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज है, पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर कम्प्लीटली फाइल से। तो यदि आप इसका भी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके साथ साथ हर स्टेप में धन्यवाद का जो है लेटर लगे, तो इसका जो कैसे सेटअप करते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। यदि आप नहीं देखेंगे तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा कम्प्लीटली इसका जो सेटअप फाइल्स अपलोड है। तो यहाँ से आप इसका फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, 512.1 का भी कम्प्लीटली फाइल जो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि 512.2 का भी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो 512.2 का भी फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने खूबसूरत सा फाइल है, जो कि TLMA है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 विषय का आपको करने के लिए बोले गए थे। तो यहाँ पर 512.2 का भी कम्प्लीटली फाइल से यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा जो है पूरा फाइल से यहाँ पर देख पा रहे हैं, हर स्टेप को जो है पूरा का पूरा लिए गए। यहाँ पर जो है सारा फाइल्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हर स्टेप का यहाँ पर सारा फाइल से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस स्टेप से घड़ी भी है यहाँ पर, घड़ी हुई, क्योंकि इसमें जो अधिगम कराने के लिए यहाँ पर बच्चों को अधिगम कराने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे कितने खूबसूरत सा यहाँ जो पिन जो लगे हुए, तो यह पिन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका भी पिन को आप मंगा सकते हैं। आप यहाँ ऑर्डर करके नीचे में इसका भी लिंक होंगे, नीचे में आपको हम घर में कुरियर कर देंगे, किसी भी माध्यम से कुरियर आप तक पहुँचा देंगे। आप इस पिन को जो है डाल सकते, क्योंकि यह पिन जो इस पेज पर इफेक्ट नहीं पड़ते, बाकी जो मार्केट में पिन आते वो जो है इस पेज को आपको ख़राब कर देते हैं, इसीलिए इस पिन को ही मंगाएं मार्केट में। आइए इसको पिन को दिखा देते हैं, 5 पिन का पूरा सेट आता है। इसके साथ साथ यहाँ स्टार जो है स्टार भी आते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा 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 जो पूरा का पूरा 5 पिन का सेट है। यदि आप इस पिन को मंगाना चाहते हैं तो अभी का भी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे में इसका भी लिंक होंगे। इस पिन का पूरा 5 पिन आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसको लगाने का किस टाइप से यूज़ करते हैं इसका भी वीडियो जो है हमने पहले डाल देंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो 5 का 5 सेट का पूरा पिन आते हैं, आपके लोकल मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा 5 सेट का पूरा पिन है, ठीक है। कितने खूबसूरत सा पिन है, यहाँ पर लगने के बाद जो काफ़ी और खूबसूरत जो है लगने लगेंगे आपका फाइल्स। तो इस पिन को ऑर्डर करने के लिए नीचे में लिंक है, जल्दी से जल्दी जाइए और अभी का भी ऑर्डर कीजिए, ताकि हम आपको घर पहुँचा दें, क्योंकि जाने में भी आपका समय लगेगा, कुरियर वाले पोस्ट ऑफिस वाले का समय टाइम लगते हैं, इसीलिए अभी का भी इस पिन को सारा पिन को प्राप्त करें। उसके बाद जो यहाँ पर जो है जगह जगह पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हर एक जगह जगह पर यह पिन का यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो है जगह जगह पर अलग अलग जगह पर फलों की संख्या पर यहाँ भी आपको लगे हुए हैं, ठीक है। यह जो जानवरों का अधिगम है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह जानवरों का अधिगम के लिए लगाए हैं, जानवरों का किस प्रकार से अधिगम करते उसके लिए भी यहाँ पर जो है लगाए गए। इसके साथ ही साथ जो है यह भी टेबल्स आपके पास ही, मतलब कम्प्लीटली फाइल्स। यदि आपको इस नया खूबसूरत फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो ये इस वीडियो के नीचे में लिंक होंगे, जल्दी से जल्दी जाइए और तीनों का तीनों फाइल यानी कि सारा फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कम्प्लीटली फाइल्स आपको मिल जाएंगे, हर स्टेप का इसका देख पा रहे हैं। यहाँ जो है कम्प्लीटली फाइल से इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, हमारा पिछला वीडियो में सारा का सारा जो है बता दिए गए। यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से टीचिंग लर्निंग मटेरियल को तैयार करते हैं, पूरा का पूरा मैंने डिटेल्स में बता के रखे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं सारा का सारा चीज़ के बारे में यहाँ पर दे दिए गए, हर स्टेप के बारे में यहाँ पर जो है अवकाश किस तरह से किया जाता है इसके बारे में भी बता दिए कि अवकाश माध्यम से किस प्रकार से रेडी करते हैं। तो उसका पूरा का पूरा जो है डिटेल्स यहाँ पर जो है बना चुके हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा का पूरा जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 जो है पूरा का पूरा जो है फाइल्स यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इकाई दहाई जो है पूरा का पूरा जो है फाइल्स यहाँ पर जो है रेडी है, ठीक है। तो अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते तो नीचे में जाकर लिंक है, वहाँ से क्लिक कर सकते। यह जो है मशीन है प्लस माइनस करने के लिए, किसी बच्चे को प्लस करने के लिए बोलते हैं तो इस टाइप से प्लस कर सकते हैं। इस सब सारा पिन आपको जरूरत पड़ने वाले तो नीचे में लिंक है, वहाँ से जाकर इस PDF को पूरा का पूरा डाउनलोड कर ले। यहाँ पर देख पा रहे खिड़की के लिए बनाए गए, शब्दों के लिए बनाए गए, पूरा का पूरा यहाँ पर देख पा रहे हर चीज़ के बारे में स्टेप यहाँ पर दे दिए गए। हर चीज़ के बारे में यहाँ पर देख पा रहे हैं, रखने के लिए कैसे कैसे रखने के लिए बनाए जाते हैं, पूरा का पूरा जो है कम्प्लीटली जो है बता दिए गए हैं कि किस प्रकार से इसको जो है रखने के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर मात्रा खिड़की भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर क के करने हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे ये क हुआ, यहाँ पर देख पा रहे हैं का हुआ, फिर की हुआ, तो पूरा का पूरा जो है कम्प्लीटली फाइल्स यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने सुंदर से यह जो है आ रहे हैं,
ठीक है, कितने सुंदर से यहाँ पर देख पा रहे हैं हर स्टेप के बारे में आ रहे हैं। तो यदि आप इसका भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे में फाइल से, यार इतना सिंपल दिया गया कि डॉटेड करके आपको दे दिया, एकदम काटने का जरूरत है, सिर्फ आपको पूरा सेटिंग है, सिर्फ आप PDF को प्रिंट करना है और बस कटिंग कर देना, आपका फाइल जो है सिंपली रेडी कर देना। इसका कम्प्लीटली वीडियो अपलोड है कि इस प्रकार से सेटअप करते हैं। तो तीनों फाइल्स जो जितने भी फाइल्स है सारा इस वीडियो के नीचे में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तीनों का तीनों फाइल्स, सारे जो फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ वन क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे में लिंक होंगे क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड, जैसे आप डाउनलोड करते हैं आपके डीसीएस क्लास के वेब स्टोर पर आपको पहुंचा देते हैं। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली फाइल आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं सारा का सारा फाइल से, यहाँ पर जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज है, आपका असाइनमेंट का सॉल्विंग है, यहाँ पर लेसन प्लान है, सारा का सारा कम्प्लीटली फाइल से यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं। तो आप जो चाहिए वो चीज़ अपने पसंद के हिसाब से डाउनलोड कर लें। यदि 512.1 का कम्प्लीट फाइल चाहिए तो इस फाइल को आप डाउनलोड करें 512.1 का कम्प्लीट फाइल से, इसमें सारा सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान ने पूरा का पूरा दी गई। इसके साथ साथ 512.2 का यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 512.2 का कंप्लीट फाइल से। इसके साथ ही साथ यदि आप यहाँ पर 512.3 का अगर फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं जिसको पोर्टफोलियो कहते हैं, तो कंप्लीटली फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग बात करने वाले इसी फाइल का। तो यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते तो सिंपली इस बात को क्लिक करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ डिटेल आपको फिल करने होंगे, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद क्या होते हैं आइए आपको बता, जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद, जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं वैसे आपको मांगेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सुविधा होंगे, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, भीम है, जो भी चीज़ें जिसके साथ भी है इसको आप सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद जो अपना कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, ये सब सारा डिटेल आप यहाँ पर फिल करें। फिल करने के बाद इस ग्रीन को बटन को दबाएं, ग्रीन को बटन को दबाने के बाद जो है यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आएंगे। यदि आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आते हैं तो ध्यान रखिए इस PDF को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, जो यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे इस PDF को आप प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए ऊपर का जितने भी फॉर्मेलिटी है आप इसको पूरा करें, उसके बाद इस डाउनलोड बटन को क्लिक करें। डाउनलोड को बटन को क्लिक करने के बाद इस स्टेप से PDF को आप पा सकते हैं पूरा का पूरा, जो जितने भी सोल्यूशन आप पा सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने समझ लिया कि हम लोग को PDF को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं PDF को डाउनलोड करने के लिए। तो नीचे में लिंक है, अभी कभी जाइए डाउनलोड कर लीजिए और जाके अपना फाइल्स को बना लीजिए, ताकि NIS का जो दौरा दी जा रही है सब का फाइल को कंप्लीटली आपको बना ले और आपको अच्छे मार्क्स से पास करे। तो वीडियो पसंद लगे तो लाइक कीजिए, नीचे में लिंक है डाउनलोड करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।